नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के क्रॉस फायरिंग में 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद से ही पुलिस और नक्सली एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर किसकी गोली से 6 साल की बच्ची की मासूम की मौत हो गई। एक जनवरी की शाम श्यामन बाबा और मानसे दंपत्ति के लिए उनके जीवन का काला अध्याय साबित हुआ। इस दिन को ये परिवार जीते जी कभी नहीं भूल सकता। मुतवेंदी गांव, जहां सुरक्षा के साए में सड़क बन रही है, 1 जनवरी की शाम इसी गांव में बंदूक से निकली एक गोली ने 6 महीने के मासूम से उसकी जिंदगी छीन ली। घटना के फौरन बाद ही पुलिस की तरफ से ये दावा किया गया कि नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान क्रॉस फायरिंग में गोली मासूम को लगी। गोली भी नक्सलियों की तरफ से दागी गई थी। पुलिस के इस बयान को चंद घंटे हुए थे कि इस नक्सलियों की तरफ से नया बयान सामने आता है, जिसमें नक्सल संगठन बच्ची की मौत के लिए पुलिस को कसूरवार ठहराते हुए पुलिसिया दावे का खंडन करता है। जिस इलाके में ये घटना घटी, वहाँ हालात खंदक जैसे है। समूचा इलाका नक्सलियों के प्रभाव में है, जहां सुरक्षा के सख्त पहरे में विकास का खाका खींचने की तैयारी है। आखिर किसकी गोली से 6 महीने की बच्ची की मौत हुई? पुलिस और नक्सलियों के दावों का आखिर सच क्या है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारी टीम ने मुतवेंदी गांव का रुख किया। इस वक्त मौजूद है हम ऐसे क्षेत्र जहां अति संवेदनशील क्षेत्र भी माना जाता है। यहां के ग्रामीण लोगों में हमेशा डर के साए में रहते हैं। अगर कहे तो अगर आप चाहो तो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है, यहां से जाने के लिए भी कतराते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही क्षेत्र में अगर एक ऐसी घटना जो निकल कर आया 1 जनवरी 2024 के 4 बजे, यहाँ कुछ ऐसा होता है जो खबर के माध्यम से निकलता है कि एक बच्ची मासूम जो अपनी माता के हाथों में पकड़ी हुई थी, गोली से इनकी मौत हो जाती है। हम उसी जगह पे है, उसी घर पे तस्वीर भी दिखाएंगे। आखिर गोली चली, दीवार में गोली लगी, उच्छेद कैसे लगा, उसके बाद मौत की हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें पहले देखिएगा। अंदरूनी क्षेत्र में जब भी डर के साए में तो रहते हैं, लेकिन गोली की आवाज से ही तब समझ सकते हैं कि दहशत का मौत। दीवार में इस तरह की गड्ढे हो, ये तो जांच का विषय कि यहाँ गोली लगा, एक ग्रामीणों को कहना। इसके साथ ही साथ कुछ तस्वीरें उन्होंने दिखाया, पेड़ में भी लगे, वही दीवार के साथ ही साथ कुछ लकड़ी के जो दीवार मकान बने वहां पर भी कुछ निशान भी दिख रहे, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी गोली की ये लगी, ये उनको कहना कि गोली यहाँ पर लगी थी, जो निशान आप देख पा रहे हैं ये गोली से ही छेद हुआ है। तो अब समझ सकते मौत बच्ची की गोली से हुई, गोली लगने के बाद जिस तरीके से दहशत का माहौल है, वही अगर करे तब से ही लोगों में एक भय का माहौल था। उसके बाद अगर बता दें जिला मुख्यालय पुलिस उन्हें लेकर जाती है, उनकी माता को भी हाथ में चोट लगता है, लेकिन उनसे लोगों को दूर रखा जा, सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा था लगातार। आज बता दें आज माता को छोड़ा है और समाज जो लगातार इस मामले पे जांच की मांग कर रहा था, वही ग्रामीणों का भी ये मांग लगातार अब देखने को मिल रहा। वही नेताओं का भी बयानबाजी प्रदेश स्तर से लेकर जिले स्तर के जितने जनप्रतिनिधि है उनका भी लगातार बयान आ रही है। अब देखना होगा किस तरह की जांच करेंगे। वही इसके ठीक आगे इसके मकान के आगे जो लोगों ने बच्ची के यादगार में एक पत्थरों का जो मठ टाइप को बनाया गया, वो भी आपको दिखाएंगे। तस्वीर बच्ची के यहाँ लगाया गया, आखिर कौन सा तस्वीर है, बच्ची कितनी मासूम, आप भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी ये तस्वीरें दिखाइए। ठीक इनके घर के सामने जो बनाया गया वो बच्ची जो है फीडिया जो ग्राम पंचायत इसके अंतर आधार क्षेत्र मुदवेंडी है। आप तस्वीरों में देखिएगा, जब भी घटना होती है आदिवासी क्षेत्र में, वो आदिवासी के जो लोग आसपास के लोग हैं वो एकता का एक बैनर के माध्यम से वो या उस परिवार के साथ हमेशा कड़े हुए दिखते हैं। इस बामा सॉरी बामा ना पिले तो इतके आदो एक ना जिमी निंजो एक ईत मरा मत्ता गोरग मरा मत्ता आदेन के गोरग मरा के नमाइ दे बसा के नमाइ दे ना मुत्ते वास मत्ता आद इधर ना लो जिमी ताले के ने रोड हो एम दरोगा था रोड तीन बसा के न दिन जो आदेन के आदेन के तान रोड हो न दही हो जो
एक जनवरी 2024 को जहां पूरा देश के साथ ही राज्य में नया वर्ष की शुभारंभ नया वर्ष मना रहे थे लोग, उसी समय एक घटना दिल दहलाने वाली निकल कर आई। हम जिस जगह पे मौजूद है मुंदवेंडी जो ग्राम पंचायत पीडिया का ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, यहां जो आप भीड़ देख पा रहे हैं ये जहां के आसपास के लोग आदिवासी समाज के लोग है, ये इसलिए इकट्ठा क्योंकि पिछले एक जनवरी को जिस बच्ची की मौत हो जाती है गोली से उसकी उन्हें न्याय मांगने के लिए वो इकट्ठा हुए। आवाजें जब भी ग्राम या अंदरूनी क्षेत्रों से निकल कर आती है कहीं ना कहीं ये प्रदेश स्तर से लेकर राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय होता है। जिस तरीके से घटना हुई, घटना के बाद समाज के साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि है राजनीतिक दलों के लोगों के साथ ही मीडिया के जो साथ ही समाज सेवक के लोग यहाँ पर पहुंचे, लगातार सभी अपने अपने तरीके से बयान लोगों का लिया। पिता से हमने कुछ देर पहले बात किया, उनका साफ कहना था कि जो घटना हुई है जिसमें उनकी बच्ची की मौत हुई, वह अगर बात करें उनकी माता को जो गोली लगने से घायल हुई थी, पुलिस ने अपने साथ रखा, उनका इलाज भी कराया, आज उसे छोड़ा गया, लेकिन उनसे मीडिया के साथ ही साथ समाज के लोगों को दूर रखा गया, उनसे बात करने से रोका गया, कि ये भी अपने आप में एक सवाल है, आखिर जब पुलिस सही है तो लोगों को उनसे मिलने से क्यों रोका गया। अब बात जब जांच की आती है, जांच में क्या कुछ आएगा, क्योंकि पूर्व में जितने घटना हुई घटनाओं के जांच में ही रुका हुआ है, जांच का परिणाम भले आया हो लेकिन दोषियों को सजा नहीं मिली, हम नहीं कह रहे को ग्रामवासियों के साथ ही साथ समाजों के साथ या कि ग्रामवासियों का भी कहना है। ये तस्वीरें आप देखिएगा, विरोध जब भी घटना के बाद विरोध में या एकता अगर कहे तो समाज की या उस परिवार के साथ इकट्ठा उनके पूरे लोग एक साथ दिखते हैं, लेकिन एक किस तरह भीड़ बना रहता है, भीड़ को जो न्याय चाहिए वो नहीं मिलता, इस तरह की लगातार जो खबरें दिखाया जाता है मीडिया को। हालांकि ये मामला राजनीति से अछूता नहीं रहा, कांग्रेस की जांच टीम विधायक विक्रम शाह मंडावे के नेतृत्व में मुदवेंडी पहुंचे और लोगों से बातचीत की। बहरहाल अब इस मामले की सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। अपने मायके से ससुराल जाने के लिए घर से निकली महिला जब घर नहीं पहुंची तो परिजन परेशान नजर आए, जिसके चलते परिजनों ने पुलिस में तरहीर भी दी। देखिए रिपोर्ट। लोरमी के ग्राम पंचायत सगोना में एक शादीशुदा महिला सहोदरा भाई भास्कर, पति मनोज भास्कर अपने मायके ग्राम पंचायत मनकी में इलाज कराने आई थी। वहां लगभग एक महीने अपने पिता के घर रहकर इलाज करवाने के बाद 8 दिसंबर 2023 को महिला घर वापसी करने के लिए बिलासपुर से बस में बैठी थी। इस दौरान महिला के पिता ने अपनी नातिन को फोन कर बताया कि उनकी मां अपने ससुराल के लिए निकल गई है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी महिला अपने ससुराल नहीं पहुंची तो महिला की बेटी ने अपने नाना को फोन कर बताया कि महिला अब तक घर नहीं पहुंची है, जिसके बाद रिश्तेदारों ने आसपास के इलाके में खोजबीन करनी शुरू कर दी, लेकिन महिला का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। दिंडोरी आए थे थाना जी, क्या क्या मामला था? मेरे बीबी एक महीने से लापता है जी। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाला बोला ढूंढेंगे प्रयास करेंगे ऐसा बोला जी। कौन कौन आए थे आज? मेरा ससुर आया था, मेरा दोनों लड़का आया था। अच्छा, साइड में जो है वही है? हाँ। अच्छा, पुलिस ने क्या बात बोली है आपको? बोले है वो एक आदमी ने देखो, दो चार आठ दिन देखो, कोशिश करेंगे मिल जाएगा बोलकर ऐसा बोला है वो जी। उम्मीद जताई है? हाँ जताई है उम्मीद। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मेरा बाल बच्चा मेरे पास आ जाए मैं रखूंगा उसको जी, मेरा मैडम आ जाए मैं रखूंगा। और लड़की एक महीना हो गए गुम हो गए तो थाना आ रहे हैं लिखवा। कहाँ, कौन सा थाना? डिंडौरी। डिंडौरी में कौन कौन आ रहे? अपन दमान दोनों दो जन आती रही साहब। अच्छा, कब के घटना है, कब के भागे है? यहाँ 20 तारीख के मतलब लिखवाए हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ से तोर बेटी गायब हो रही? मनकी से। मनकी से? हाँ। अच्छा, क्या करने का आ रही से? अपन इलाज कर वहाँ पे आ रही से। अच्छा, तो कहाँ से गायब है?
कोई बस वस से गए है? बस से गए है, बिलासपुर वाले गाड़ी में चढ़ के गए से, सगौना जात हूँ कहीं गए हो। अच्छा, फिर नहीं पहुँचे अपन ससुराल? अपन ससुराल नहीं पहुँचे अभी तक जी। पुलिस का बोली साहब ला? पुलिस बताएंगे ऐसे हफ्ते भर में, ऐसे कहीं बोली से जी। ठीक, आप क्या चाहते हैं? मेरा लड़की मिल जाए से मैं चाहता हूँ जी। क्या नाम आपका? राधे श्याम जी तिलहरे। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर महिला की जांच में जुट गई है, तो वही महिला के परिजनों को भी महिला का बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजापुर जिले के शांतिनगर वार्ड क्रमांक 7 में रहने वाले लोगों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद पुरुषोत्तम सल्लोर उनके इस समस्या को गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं और कई बार लिखित में गली रोड सैंक्शन के लिए मांग की गई है, लेकिन उनकी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया गया और विधायक के द्वारा भी संज्ञान में नहीं लिया गया। गली रोड के ना होने की वजह से स्कूली छात्र छात्राओं को आने जाने में काफी कठिनाई हो रही है और इसी पर लोगों का सीधा कहना है कि हमारी समस्याओं को सरकार के द्वारा जल्द से जल्द पूरा किया जाए। समस्या तो बहुत हो रहा है सर, क्योंकि इधर से रोड वहां तक सीसी रोड बना है, बाकी नहीं बना है, नाला है। हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, रात दिन 24 घंटा बहुत बड़ा प्रभाव पड़ती है, इसलिए हमने इस रोड को बनवाने के लिए हम बोल रहे हैं। आपका वार्ड कौन सा है? वार्ड नंबर 7 शांतिनगर। शांतिनगर आपका पार्षद कौन है? हमारा पार्षद पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, उसको एक आध बार भी बोले नहीं? हमने उससे बहुत बार निवेदन किया, हमने 3-4-5 बार हमने इस पारा वाले लिख के भी दिए हैं, हमारा कोई तो सुन ही नहीं रहा है, बोलता है कि पारा हमको मालूम नहीं है बोलता है। अच्छा, ये पारा का वो नहीं है पार्षद? ये पारा हमको मालूम नहीं है बोलता। तो आप लोग अभी क्या चाह रहे हो? हमने रोड चाहिए, किसी भी स्थिति में हमको रोड चाहिए। अभी जो जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि पार्षद आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये कितने सालों से आप इस प्रकार का परेशानी झेल रहे हैं? ये 10 साल हो गए, हमने पूरा लगातार परेशानी है यहाँ पे। नमस्ते, मेरा नाम ज्योति मलिका है और मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर की विद्यार्थी हूँ। तो यहाँ से जब ये आप लोग का शांतिनगर से रोड नहीं बना है, यहाँ से जाने आने में कैसी तकलीफों का सामना कर रहे हो? जी, चढ़ाव में चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है और बरसात में पूरा भीग जाता है ना, कीचड़ हो जाता है तो फिसल जाते हैं। क्या आप लोग एक आध बार ऐसे जितने भी स्टूडेंट लोग हो, अपने माता पिता लोग या किसी को बोले हो क्या पार्षद से बात करके इस रोड को बनवाओ? जी, कर चुके थे सर रोड के लिए बात। तो उसके बाद क्या बोला पार्षद? कुछ बोला? गर्मी में हो जाएगा, गर्मी में हो जाएगा, तो हम नहीं जानते हैं। तो आप लोगों को कितने स्टूडेंट लोग यहाँ से जाना आना करते हो समथिंग? सर इधर से बहुत सारे हैं। यहाँ पे गिरना वगैरह ऐसा होता है बोल के सुने में आ रहा है? जी सही है, ये मोहल्ले से पूरे इधर ही जाते हैं सर। क्रमांक का ये 7 पार्षद को नहीं जानते हैं आप? मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं पहली बार पार्षद बना था तब सरकार भाजपा की थी, उस समय मैंने लड़ भिड़ के सिर्फ शांतिनगर में 3 रोड बनवा पाया था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है मैंने 20 रोड का डिमांड भेजा, उसमें से 13 सड़कें पूरी हो चुकी हैं और 7 सड़कें अभी भी शेष हैं, उसे भी हम जल्द बहुत जल्द पब्लिक के डिमांड पर पूरा करना चाहेंगे। और माननीय विधायक जी को भी मैं इस मामले को अवगत करा चुका हूँ, उन्होंने भी कहा है कि इस सड़क को भी बहुत जल्दी बनाया जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, यदि वो पब्लिक के डिमांड को नहीं सुनती है तो हम पब्लिक के साथ मिलकर सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन पब्लिक का जो डिमांड है उसे पूर्ण करने के लिए दिन रात एक करेंगे। पानी है हम लोग को चलने के लिए, बच्चे कितना गिरते उड़ते जाते हैं स्कूल वाले बच्चे, हमारे तरफ रोड कैसा नहीं ला रहा है, वो पार्षद है कि वो क्या है? आप लोग बोले हो कि नहीं पार्षद को? कई बार बोले, उसको ला के दिखाना, नमस्ते करते आता है, वोट लेके जाके उस पर वो घर बना लेता है, इधर तो कुछ नहीं जानता है, हमारा गांव कोई नहीं जानता है, हमारे पारा कोई नहीं जानता है। हम लोग कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, गांव में रहते हैं, बीजापुर में। आप लोग इतना परेशानी झेल रहे हैं, यहीं पे ज्यादा दूर नहीं है मौजूदा विधायक, क्या आप लोग एक आध बार उनके पास गए थे क्या? हाँ कई बार गए,
विधायक क्या बोला? विधायक के पास तो वो भी आके वोट मांगा कि वो बोला है कि हाँ ये पार्षद खड़ा रहेगा, हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे तो हम लोग रोड का सुविधा करेंगे, पानी का सुविधा करेंगे, सबका सुविधा करेंगे बोल के आके वोट मांगा है। अभी सब जीत रहे हैं, कोई इधर देखने वाला नहीं, हम लोग दे रहे हैं उसको। दंतेवाड़ा जिले के किरदुल नगर पालिका वार्ड क्रमांक 4 बंगाली कैंप में कई सालों से लोगों को पीने के लिए पानी को लेकर हैंडपंप या कुएं का सहारा लेना पड़ता है और वार्ड क्रमांक 4 में कई सालों से पानी की सुविधाएं नहीं है। वार्ड वासियों का पार्षद के ऊपर आप शिकायत के बावजूद भी ध्यान नहीं देते। लोगों का कहना है कि हम पार्षद के घर में जाकर, नगर पालिका जाकर कई बार शिकायत लिखित में दे चुके हैं, उसके बाद भी पार्षद एवं नगर पालिका अध्यक्ष इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। पार्षद अमृत टंडन का कहना है कि मेरे वार्ड में पूरी तरह से जल आपूर्ति की जाती है और साफ सफाई पर ध्यान रखा जाता है और जिस जगह भी बात हो रही है उस जगह पर से जल्द ही पानी की सुविधा कर दी जाएगी। मेरा नाम मीनू विश्वकर्मा है। आप कौन से वार्ड में? 4 नंबर वार्ड में हूँ। आपके वार्ड का पार्षद अमृत टंडन है। आप लोग के मोहल्ले में जानकारी मिली है कि पानी नहीं आता है? हमें सही बात है, पानी बहुत दिन से नहीं आ रहा है। सुबह 6 बजे आने का समय है और अभी तो क्या बोलते हैं आधा घंटा ही पानी दे रहा है, जिसमें से पानी मतलब मिल भी नहीं रहा है और जो पानी नहीं मिल रहा है इसके कारण हम लोग को दूसरे जगह जाना पड़ता है, दूसरे के यहाँ से पानी लाना पड़ता है। जो रेलवे वाला लाइन है उसमें से पानी पाइप डाल के फिर लाते हैं तो फिर उसी से काम करते हैं। तो आप लोग को पानी के लिए परेशानी इतनी ज्यादा है तो आप लोग कई पार्षद को बताए हैं? कई बार बताए हैं, पार्षद आया भी है, देखे भी है, कई बार लिखित भी दिए हैं, उसके बाद भी आप लोग को सुविधा नहीं करा पा रहे? नहीं, तो यहाँ तक कि क्या बोलते हैं अध्यक्ष के पास भी गए थे तो अध्यक्ष एक बार बबलू को भी भेजे थे देखने के लिए, बबलू भैया भी आके देख के गए हैं कि पानी नहीं आता है। अध्यक्ष कौन? मृणाल राय। तो जैसे आप लोगों को पानी नहीं मिल पाता तो आप लोग संगठन में क्या करते हैं, कहाँ से लाते हैं पानी? पानी दूसरे के यहाँ जाते हैं जिसके यहाँ कुआ है और या फिर क्या बोलते हैं हैंडपंप में जाते हैं। हम लोग का पानी का परेशानी बहुत है क्योंकि सुबह 6:05 में पानी आता है और 6:45 तक बंद हो जाता है, कम से कम 40 मिनट जैसा पानी आता है और हम लोग के घर में पानी जो है अंदर हम लोग भर नहीं सकते, पानी को पाइप को ऊपर उठाते हैं तो पानी बंद हो जाता है, इसलिए हम लोग गंदे नाली में बाल्टी रख के पानी भरना पड़ता है। तो आप लोग इसकी शिकायत पार्षद को किए कि नहीं? पार्षद से तो हम लोग बहुत बार शिकायत किए हैं लेकिन पार्षद तो यहाँ का पानी का व्यवस्था करते कर नहीं रहे हैं। अध्यक्ष को शिकायत किए? हाँ, अध्यक्ष भी आए थे यहाँ पर इलेक्शन के टाइम में, उनसे उस समय बताए थे उनको, तो उस समय बोले कि ठीक कर देंगे बोल के, फिर अभी तक तो हुआ नहीं है। तो आप लोगों जैसे पानी यहाँ पे नहीं मिलता तो आप लोग उसको क्या करते हैं, पानी के लिए कैसे करते हैं? पानी के लिए वो हैंडपंप में जाते हैं, जितना थोड़ा बहुत आता है उसमें से भर लेते हैं, बाकी जितना लगता है वो हैंडपंप में जाके भरते हैं। इस पर आए आप लोगों को यहाँ पानी कब से नहीं मिल रहा है? पानी तो साल भर से ज्यादा हो रहा है। तो आप लोग इसके बारे में पार्षद को बताया? पार्षद को बताया, फिर पार्षद आके देखा भी है, कभी कभी आता है घर में जाता है बताने के लिए, फिर वो ठीक है जाएगा, उधर जाके उसको बनाएगा। वो कहाँ आता है? इधर नहीं आता है। नगर पालिका अध्यक्ष को बताया आप लोग? नगर पालिका अध्यक्ष को वो तो आता ही नहीं है इधर, मतलब 4 साल हो गए, 4 साल में भी तो कभी नहीं आया। आया कभी कभार पहले आता था लेकिन अभी तो नहीं आ रहा है। आपके वार्ड का पार्षद कौन है? वो छोटू है ना, पटंडन ना, वो टंडन है। तो पार्षद को बताने के बाद भी आप लोगों को पानी से निजात नहीं मिल रही? नहीं। तो आप लोग पानी के लिए कैसे करते हैं? पानी के लिए वो दूसरे का घर में जाता है। सुनी कश्यप, आप लोग कौन से वार्ड में हैं? है? वार्ड नंबर 4। हाँ। पानी आता है आप लोग के यहाँ? नहीं आता है। कितना साल हो गया? हो गया बहुत साल हो गया। नहीं दीदी, एक टाइम आता है। आप लोग के वार्ड का पार्षद है? आप लोग के वार्ड का पार्षद कौन है? पहले हाँ टंडन था। टंडन है,
तो आप लोग को, आप लोग उसको कहीं बताया कि नहीं बताया पानी नहीं आती करके? इतना बार बताए, आज के कभी पानी नहीं दिलाया आप लोग को? नहीं। साफ सफाई भी देख सकते, पूरे रास्ते पूरे गंदे पड़े हुए हैं, साफ सफाई भी नहीं होती लग रहा है। हाँ। आप लोग पानी के लिए कैसे करते हैं? क्या करते हैं, एक ही टाइम का पानी को उसे कुछ चला लेते हैं। कितना देर आता है पानी? यदि अभी खुला है 7:15 को बंद कर देगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अखिल भारतीय बिजिया समाज के महासम्मेलन पर सूरजपुर के जिलेवासियों को 30,07,00,000 रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा 4 विभागों के अंतर्गत विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे राज्य शासन नवा छत्तीसगढ़ से सतत विकास की दिशा में कार्य कर रही है। वहीं आदिवासी बाहुल्य और दूरस्थल अंचल के क्षेत्र में विशेष फोकस करना शासन की प्राथमिकता की श्रेणी में है। उन्होंने आगे कहा कि किसान, मजदूर और लघु वन उपज संग्रह को हमारी योजनाओं से निसंदेह लागू है और बता दें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और छत्तीसगढ़ की संस्कृति शासन की प्राथमिकता है। मेरा नाम बेचन राम है, ग्राम भगवानपुर का निवासी हूँ मैं। नहीं सुन, अभी तो हम केवल बधाई पर देंगे। भगवानपुर ग्राम में रहता हूँ। मेरा नाम यारो भाई है। समय का साथ मिला है। मैं पटेल पद में हूँ, 5 साल बीडीसी किए हूँ, 5 साल महिला मूर्छा में मैं किए हूँ। घर कमलों से हमें जैसा देखा जाए तो आज जो सीएम साहब यहाँ आ रहे हैं जी, ये समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन है जी, इस पर क्या कहना है आपका? महोदय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं, और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद तो कहना चाहती हूँ, धन्यवाद कह सकती हूँ। हम बिंझिया आदिवासी हो चुके हैं, जो है हम लोग दूर रहे हैं, आदिवासी हो चुके हैं जी, समाज के लोग इससे, तो इसमें आपको क्या फायदा मिल रहा है या समाज क्या फायदा मिलेगा? आर्थिक रूप से हमारी लड़की लोग को साक्षात मिलेगा। आप सभी को बताना चाहूँगा, हम लोग को साक्षात मिल जाएगा। और क्या चाहते हैं लोग को यहाँ उन्नति हो जंगल में, सीएम साहब से क्या चाहते हैं जिससे आपकी उन्नति हो यहाँ गाँव में? लाभ कराएं हमारी सरकार से, बच्चों लोग को लाभ कराएं कि हमें इसके लिए कुछ। समाज का आज वार्षिक महासम्मेलन था, इसमें हम लोगों को आमंत्रित किए थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को, हमको और हमारे पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी को, और तीनों हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग का सम्मान हुआ। और विधिया जाति पहले अनुसूचित जनजाति में नहीं था और इसलिए संसद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 12 जाति को, छत्तीसगढ़ के 12 जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया। और इसके बाद लाखों लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में 12 जाति के लोग अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से उनका आने वाले समय में शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकास होगा। तो विंध्या जाति के लोग आज नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए भी कार्यक्रम रखे हुए थे। कल के कार्यक्रम की बात करें, मेरा नाम किरण सिंह के राम है, मैं जनपद सदस्य हूँ अभी वर्तमान में लटोरी क्षेत्र से। ये महासम्मेलन हो रहा है, देखिए जैसे कि 12 जनजाति जनजातियों को आदिवासी समुदाय से जोड़ा गया है, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगी इन समाज को कि आप बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, आपको शुभकामनाएं। और आपको निश्चित रूप से इस समुदाय से जोड़ा गया आदिवासी समाज से आने वाले समय में आपको बहुत ही इसका लाभ मिलेगा। आने वाले चुनाव ये
मोहमी झा विश्रामपुर से हमारे लिए कुछ और महिला मोर्चा में प्रदेश की सदस्य हूँ प्रयास करेंगे और हमारा ये बोलना है कि आज हम बहुत खुशी का माहौल है। सबसे पहले तो हम हमारे मुखिया जी को बधाई देना चाहती हूँ कि भाजपा की सरकार आई और हम पूरा सरगुजा जीते, इसके लिए मैं बहुत 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 बधाई और गाढ़ा गाढ़ा बधाई देती हूँ। और मोदी जी का तो देश प्रदेश के लिए हमारे हिंदू समाज का नाम बढ़ा रहे हैं और हम लोगों के लिए हर तरह का सुख सुविधा दे रहे हैं। हर वर्ग के लिए, कोई ऐसा वर्ग वंचित नहीं है जिसको सुख सुविधा ना मिला हो। इसीलिए मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देती हूं और आने वाले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। डाउनलोड असम रियली फास्ट।